देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां एक तरफ रोजाना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की स्थिति के बारे में बताते हैं, तो वहीं अपने हाथ भी खड़े कर देते हैं। लेकिन क्यों, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हर बार हर सिचुएशन पर हाथ खड़े कर दो और कह दो कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। आपने तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली है केजरीवाल जी, और आज आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है लेकिन 3 दिन में आ जाएगी डोज। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली सरकार हर बार अपने हाथ खड़े आखिर क्यों कर देती है, इसके पीछे क्या वजह है। तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसे में 18 से 44 साल की उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए लाइन ना लगाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार को वैक्सीन नहीं मिली है। हम लोग वैक्सीन के लिए कंपनी से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन क्या केजरीवाल जी लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं या भरोसा करना चाहेंगे? अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे पहला मेरा निवेदन ये रहा कि कल आप लोग सेंटर्स पर लाइन में ना लगे, कहीं इसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ाया जाए। अरविंद केजरीवाल जी आंखें खोलिए और दिल्ली की उन कॉलोनीज में जाइए जो कि पॉश एरिया में नहीं आती है, आपको दिख जाएगा कि वहां पर कानून व्यवस्था कितनी गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए। केजरीवाल आगे कहते हैं 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम अच्छे से मीडिया में घोषणा करके बता देंगे, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद जिसकी अपॉइंटमेंट हो वो आए, सबको वैक्सीन लगवाएंगे, घबराने की और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब लॉकडाउन लगाया था तो ये कहा था कि आप वापस मत जाइए क्योंकि मैं हूँ ना। अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कल से 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों का टीकाकरण होना है, इसका अच्छा रिस्पांस मिला है, हमें अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, हम कंपनी के संपर्क में हैं, हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। देखिए 1 तारीख से यानी कि कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमें वैक्सीन कब मिलेगी। उन्होंने हमें भरोसा दिया है, हमारे पास पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोज आ रही है, कल या परसों तक पहुंच जाएंगी। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस का रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस की अपॉइंटमेंट होगी वो लोग आइएगा। केजरीवाल जी आपको खुद पता है कि वैक्सीन कब आएगी कब नहीं आएगी, ऐसे सवाल हमारे नहीं जनता के हैं, दिल्ली की जनता जो सड़कों पर है, दिल्ली की जनता जो वेंटिलेटर्स पर है, दिल्ली की जनता जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। या आपने सुना कि दिल्ली के सीएम क्या कह रहे हैं, अब जरा गौर करिए और सुनिए दिल्ली के हालात पर आम आदमी पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट पूर्ण प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। वैसे विधायक शोएब इकबाल के बयान से समझ सकते हैं कि दिल्ली में मौत का तांडव किस कदर है। उन्होंने कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली की सड़कें कोरोना से मरे लोगों की लाशों से पट जाएंगी। शोएब इकबाल ने कई वजह गिनाई और कहा कि दिल्ली सरकार फेल साबित हो रही है। पहले शोएब इकबाल के बारे में आपको बता दें, साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले तक वो कांग्रेस के साथ थे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है, कहा मैं दिल्ली की स्थिति से दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, लोगों को ऑक्सीजन दवाइयाँ नहीं मिल रही है, मेरा दोस्त भी बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है, उसे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं है, मैं क्या करूं? आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही है, मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है,
अपना हॉस्पिटल में उसको ना ऑक्सीजन उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहां से लाके दूं, इंजेक्शन कहां से लाके दूं। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं, कोई दे दो अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही है। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आज मुझे विधायक होने के नाते शर्म आती है क्योंकि हम मदद नहीं कर पा रहे, सरकार भी मदद नहीं कर रही। मैं 6 बार का विधायक हूँ, इसके बावजूद कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा। आप किसी भी नोडल अधिकारी संपर्क नहीं कर सकते। इस स्थिति में मैं दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए, नहीं तो सड़कों पर लाशें ही लाशें होंगी। मुझे आज अपने MLA होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके, सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से MLA हूं, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही MLA हूं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूं कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। देखिए, अगर दिल्ली सरकार में विधायक ये बातें कहेंगे तो आम जनता पर क्या बीत रही होगी और क्या सच्चाई होगी, क्या हकीकत होगी, क्या तस्वीर होगी, ये किसी से छिपी नहीं है। अंदाजा लगा पाना भी शायद मुश्किल हो सकता है हमारे लिए या आपके लिए। सोचिए, अगर एक विधायक ऐसा कह रहा है तो क्या हकीकत है। अब विपक्ष को तो एक मौका चाहिए था। इकबाल के बयान पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना कहते हैं, इकबाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं, वो दिल्ली विधानसभा में सबसे अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर वो कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तो वो सही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि दिल्ली को अब केंद्र सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। ये और कुछ तस्वीरें देखिए और समझिए कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता भरोसा कर सकती है। कुछ नहीं बनाया। कल से परेशान हूँ मैं, पता करने में मेरा पेशेंट है कहाँ, तब जाके आज पता लगा, सुबह से नचा रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अब भी यहाँ से आ रहे हैं। इस लड़की की हालत कैसी हो गई है। वही कांग्रेस भी कहा पीछे रहने वाली थी। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त ने कहा कि दिल्ली को सेना के हवाले कर देना चाहिए, शहर में कोविड को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ सिस्टम को सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में RT-PCR टेस्ट की स्पीड कम कर दी है, जिससे कोविड की मौतों के आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। ऐसे आरोप केजरीवाल सरकार पर पहले भी लग चुके हैं। चलिए, ये तो राजनीति की बात हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है, ये पूरी तरह से फेल नजर आता है, आप कालाबाजारी पर लगाम तक नहीं लगा पा रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। पर क्या सिर्फ भरोसा देने से दिल्ली की जनता को सांसें मिल पाएंगी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि दिल्ली की जनता का भरोसा दिल्ली के मुखिया ने हर बार तोड़ा है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, कल फिर लौटेंगे भारत @9 में। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।